हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश स्पोकन का नया पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे जो कि आपके इंग्लिश के लिए बनेगा एक इतना मजबूत बेस जो कि इंग्लिश को आप बहुत आसानी से बेहतरीन बना सकते हैं। और वो वर्ड है क्या माय डियर्स, आइए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालिए, देखिए क्या लिखा गया है। वही चीज तो, उसी समय, इसीलिए तो, कहने का मतलब इसी तरह तो। अब इस टाइप के सेंटेंसेस, यानी हाँ भाई, इसी टाइप के सेंटेंसेस आप लोगों को भी आने वाला है, जिसके द्वारा आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं, जिस वर्ड से मिला करके आप बहुत बेहतरीन इंग्लिश बना देंगे। हाँ भाई, यही है वर्ड्स, और ये वर्ड्स आपके इंग्लिश को इतना बेहतरीन मजबूत करेगा, आपके बेस को इतना मजबूत करेगा कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन होती है, सर अगर इस टाइप के सेंटेंसेस भाई उसे बताना, वही चीज तो मुझे पसंद है, उसी समय तो मैं जा रहा था, ऐसे सेंटेंसेस आ रहा, क्या होगा इसकी इंग्लिश, क्या होगी, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई। तो आइए, आपका वह बेस क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा माय डियर। तो आइए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं क्या मेरे प्यारे, वही चीज तो, क्या देख लेते हैं, वही चीज तो। जब भी इसका यूज करेंगे ताल माय डियर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट्स विच, क्या लिखेंगे, दैट्स विच, वही चीज तो, दैट्स विच के बाद आगे आप कोई भी सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर दैट्स व्हेन, दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ यूज करके इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेंस यू कैन कन्वर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल माय डियर्स, ओके। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे प्यारे, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, वही चीज तो वह खरीदेगी, हमने क्या बोला, वही चीज तो वह खरीदेगी, खरीदेगी। अब इसकी क्या होगी भाई, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको डरना नहीं, करे भाई ऐसा संदेश देख करके डर गए भाई, क्या है ये, क्या है ये, अरे भाई कुछ भी नहीं आपके लिए, आप आसानी से कन्वर्ट करेंगे, कैसे भैया, आइए देख लेते हैं हम लोग ना। हमने क्या कहा, वही चीज तो, इसकी इंग्लिश तो आपको पता ही है ना, क्या है बोल दो ना, दैट्स विच, क्या है, दैट्स विच है, क्या है माय डियर, दैट्स विच। अब ये तो सेंटेंस है, किसी का दिख रहा, किसका दिख रहा, जल्दी बता दो ध्यान से, शायद शायद नहीं, ये को रेट है, किसका दिख रहा है, गागेगी किस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है, यानी एक सेंटेंस किसका दिख रहा है, फ्यूचर का दिख रहा है, क्या हो जाएगा माय डियर, वह खरीदेगी, यहाँ पर क्या, गर्ल्स, क्या है, फीमेल है माय डियर्स, क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे, जल्दी बता दो ध्यान से, सिविल, क्या हो जाएगा, सिविल बाय, क्या हो जाएगा, सिविल बाय, क्या हो जाएगा, सिविल बाय, यानी कहने का मतलब दैट्स वे सिविल बाय, यही चीज तो वह, सॉरी वही चीज तो, क्या हो जाएगा माय डियर्स, वही चीज तो वह खरीदेगी, वह खरीदेगी। जैसे मैंने बोला, दूसरा सेंटेंस मैंने बोला भाई, वही चीज तो वह खा रहा था, वह खा रहा था, वही चीज तो वह खा रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज तो वह क्या कर रहा था, खा रहा था, दाय क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो ध्यान से, दैट्स विच, क्या हो जाएगा, दैट्स विच ही वॉज ईटिंग, क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग, समझ में आ रहा है माय डियर्स। हाँ ऐसे भाई, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, ऑफ द डैट्स नाउ विल हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दैट सेंटेंसेस इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, डेफिनेटली यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश ऑल माय डियर्स बाय द प्रैक्टिस, हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस की सहायता से यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, याद रखिए, किससे, इसी वर्ड से, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश आपको आसानी से बोलना आ जाएगा माय डियर। आइए लेकर के चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे, एक सेंटेंस से हमने क्या किया और आपसे बताया, वही चीज तो वह बेच रहा था, वही चीज तो वह बेच रहा था, बेच रहा था, वही चीज तो वह बेच रहा था, क्या हो जाएगा माय डियर, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट्स विच, क्या बोलेंगे, दैट्स विच ही वॉज सेलिंग, क्या हो जाएगा, ही वॉज सेलिंग, यानी दैट्स विच ही वॉज सेलिंग, वही चीज तो बेच रहा था। हाँ भाई, ऐसे सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे सेंटेंस बना करके, ये हमारा वाह किस पे मेरे प्यारे, दैट्स विच पर, किस पे हुआ, दैट्स विच। आइए सेकेंड पे हम लोग चलते, किस पे चलते, सेकेंड, यानी दैट्स व्हेन,
दैट्स व्हेन किस पे चलते हैं माय डियर, दैट्स व्हेन यानी क्या हो जाएगा, उसी समय प्लस इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस को आप ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। आइए इस पे भी एक दो एग्जांपल क्या किया जाए देखा जाए। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि उसी समय मैं आया था, उसी समय तो मैं आया था, उसी समय तो मैं आया था, उसी समय तो मैं आया था। भाई क्या होगा, भाई क्या होगा इसका, आइए लगा दीजिए ना, क्या हो जाएगा माय डियर, लगा दीजिए दैट्स व्हेन, क्या हो जाएगा दैट्स व्हेन, मैं आया था, मैं आया था, किसका पास्ट टेंस का, क्या हो जाएगा आई केम, क्या हो जाएगा आई केम, दैट्स व्हेन आई केम, उसी समय तो मैं आया था। एक सेंटेंस और देख लेते माय डियर, जैसे मैंने बोला उसी समय तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या हो जाएगा माय डियर जल्दी बताइए ध्यान से, क्या हो जाएगा उसी समय तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या हो जाएगा दैट्स व्हेन, क्या हो जाएगा दैट्स व्हेन आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। हाँ भाई ऐसे ही सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला उसी समय तो मेरे पिताजी मुझे बुला रहे थे, क्या हो जाएगा दैट्स व्हेन माय फादर्स वाज कॉलिंग मी। ओके गाइस, ठीक ना, इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे, थर्ड नंबर पे क्या है, इसीलिए तो, क्या है इसीलिए तो, क्या हो जाएगा माय डियर्स, तीसरे पे आइए, क्या हो जाएगा जब इसका करेंगे, हो जाएगा दैट्स व्हाई, क्या हो जाएगा दैट्स व्हाई, प्लस आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं कंबाइंड कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो सकता है यहाँ पर। आइए इस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, दैट्स व्हाई मींस क्या होता है, इसीलिए तो, दैट्स व्हाई मींस क्या होता है माय डियर, इसीलिए तो। आइए जैसे मैंने कहा इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए ध्यान से, दैट्स व्हाई, क्या हो जाएगा दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, क्या हो जाएगा दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला इसीलिए तो मैं उसे बुला रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हिम, I'm calling him। इसी टाइप्स के भाई बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर चेंज करिए, और भी सब्जेक्ट को चेंज करिए और बहुत सारे सेंटेंस का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट इंग्लिश क्या है, एकदम आसान बोलना है, केवल आप प्रैक्टिस के बल पे इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं माय डियर, ठीक है ना। तो आइए लेकर के चलते हैं नंबर फोर, तो हमारा क्या माय डियर, इसी तरह तो क्या हो जाएगा दैट्स हाउ, क्या हो जाएगा माय डियर, दैट्स हाउ के बाद आप कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दैट्स हाउ, कोई भी सेंटेंसेस यानी क्या मीनिंग कह रही है, इसी तरह तो, क्या कह रहा है इसी तरह तो, जैसे मैंने बोला क्या मेरे प्यारे, इसी तरह तो तुम इंग्लिश बोलना सीखोगे, या इसी तरह तो तुम अंग्रेजी सीखोगे, तुम अंग्रेजी सीखोगे, क्या हो जाएगा इसी तरह तो तुम अंग्रेजी सीखोगे, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए ध्यान से, दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश, दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश। तो हाँ माय डियर्स, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने एक और बोला मैंने सुना, इसी तरह तो तुम इंग्लिश बोलते हो, इसी तरह तो तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या हो जाएगा दैट्स हाउ, क्या हो जाएगा दैट्स हाउ यू स्पीक इंग्लिश, इसी तरह तो तुम इंग्लिश बोलते हो। तो हाँ माय डियर्स, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, मैंने कहा का इसी तरह तो आपको प्रैक्टिस करना है, इसी तरह तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्या हो जाएगा दैट्स हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, इसी तरह तो तुम्हें इंग्लिश बोलना है, क्या हो जाएगा दैट्स हाउ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके,
इसी तरह तो तुम्हें इंग्लिश सीखना है, इसी तरह तो दैट्स हाउ क्या हो जाएगा, दैट्स हाउ यू हैव टू लर्न इंग्लिश। हाँ भाई ऐसे ही आप इंग्लिश बोलना क्या हो जाएंगे, आसानी से सीख जाएंगे, बट नाउ बट यू हैव टू प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, बिकॉज आप ऑलरेडी मैं आपको यही बताता हूँ माय डियर, जितना प्रैक्टिस उतनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। बस इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, इसीलिए तो आपको कहा जाता है प्रैक्टिस कीजिए ना ज्यादा से ज्यादा। हाँ माय डियर्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपके पास कोई भी समस्या किसी सेंटेंस को लेकर क्या उसे तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो भी प्रॉब्लम्स आपको क्या किया जाएगा दूर कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ माय डियर्स मेरी एक बात मान लो क्या भाई, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कि हर एक बच्चा इंग्लिश बोलना आसानी से सीख ले, यही ऑल माय डियर्स। तो इतना आज के लिए काफी, फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में, धन्यवाद आज के लिए।